अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब चैनल बागबरी पकाओ खाओ किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ियाँ, ठीक है, चलें बनाते हैं मिक्स सब्ज़ियाँ। मटर, आलू, गाजर, मेथी। सबसे पहले मैं प्याज डालती हूँ, ठीक है, चलें इसको ना मैं घी डालती हूँ, घी डाल के ना मसाला बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती हैं, बनाएं बड़ी पसंद है। मेथी आपने बच्चे अगर खाते हैं तो डाल लें, अगर नहीं खाते तो ना डालें, लेकिन अगर मिक्स सब्जियों में गाजरों मटर और आलुओं में मेथी डालें तो बहुत अच्छी लगती है। चले मैं प्याज भूनती हूँ, लहसुन, अदरक, ये दिखाऊँ मैं आपको, इसमें लहसुन, अदरक और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और दूसरा क्या कहते हैं उसको, पिसा हुआ धनिया, और ये सारा मैंने ना मिक्स करके कूट के रख लिया। तो चलो ये प्याज होता है फ्राई, में दिखाती हूँ आपको बाद में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मसाला भी जो नज़ार है, बस इसको ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसको ब्राउन करना है बस। ये क्योंकि सब्जियों के साथ ही अगर प्याज थोड़ा खड़ा भी रह जाएगा ना तो कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि सब्जियाँ मिक्स हो जानी उनके साथ ही। देखिए जी प्याज हो गया ब्राउन, बस इस स्टेज पे हमने इसमें डालनी है जो सब्ज़ी में अच्छी है काटी थोड़ी, ठीक है, साथ ही वो जो मैंने सारा कच्चा मसाला बना के रखा था ना वो डाल देते हैं। चलो इनको भूनते हैं, फिर मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी का देते हैं छींटा, तो मिर्चे वगैरह ताकि पक जाएँ अच्छी तरह, और थोड़ी हल्की कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें प्याज इसमें मैंने हल्का सा दे दिया था छींटा ताकि प्याज ना नरम हो जाए। ये पकता है थोड़ा पानी खुश्क होता है, इसी आके हमने ना इस टाइम पे आके इसे सूखी मेथी डाल देनी है, धोई है मैंने उसको धो के ना छनी छान के, इसकी थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा रखी है मेथी की। तो बस अब मसाला इसका अच्छी तरह ये खुश्क हो जाएगा ना पानी, फिर मैं सब्ज़ियाँ डालती हूँ। आधा किलो मैंने गाजरें ली हैं, आधा किलो मैंने मटर आलू लिए हैं और एक पाव मटर लिए हैं। अभी मटर बहुत महंगे हैं, 600 रुपये किलो है माशाल्लाह, एक पाव डाल रहे हैं। तो चलें जी, मैंने कहा मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बता दूँ, अगर आप मेथी डालना चाहें तब भी, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तब भी बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मसाला हो गया, अच्छी तरह भून हो गया, ठीक है, पानी खुश्क हो गया, और स्टेज पर आके हमने डाल देनी है सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों में मैंने बताया ना मटर, आलू, गाजर और सूखी मेथी, इनको भूनती हूँ, भून के बस थोड़ा सा पानी का इनको छींटा लगाऊंगी। वैसे तो धो के रखी है, ना भी लगाना है तो इनका गाजरों का पानी निकल जाना है। जितनी अच्छी माशाल्लाह लग रही है, अल्लाह की कुदरत है, ग्रीन, रेड और आलू वाइट। चलें जी ये पकते हैं, तो इनको देती हूँ अब ज़रा भून के ना, तो इनमें हल्का सा पानी का छींटा दे के ना फिर इनको मैंने दम दे देना है, दम दे के तो फिर इनको जिस स्टेज पे पकेंगे ना बता देंगे कि क्या है। बस आलू को तोड़ के देखना है, गाजर को थोड़ा तोड़ के देखना है कि गल गई है कि नहीं है, इस तरह इसकी भुजिया सी बन जाती है जो कि बहुत टेस्टी होती है। और सब्जियाँ तो वैसे भी आपको पता है सेहत के लिए हेल्दी हैं, गाजरें नज़र को ठीक करती हैं, तो मटरों में भी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ पाया ही होगा ना, आलू में भी नशास्ता है और फाइबर है, तो जो ग्रीन सब्जियां, तो वैसे ग्रीन पत्तों वाली में आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलें इसको मैं हल्का सा देती हूँ छींटा पानी का, बस थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद इसको ज़रा हल्की आंच पे रखूँगी। ये देखिए बस इतना सा मैंने इसको पानी का छींटा देना, बस अब आँच अभी तेज़ है, ठीक है, मेरे में कोई कसर होगी सब्जियों के लिए वो गल जाएगी,
और मेथी पता है आपको बलगम वगैरह रेशा जमी हुई उसको ठीक करते हैं सर्दियों में। अब इस पता नहीं सीज़न नहीं है मेथी का, मेरा ख्याल नहीं मिल रही ना मेथी, सूखी का इस्तेमाल करें। तो चलें इसको डाल देते हैं ये पके, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। हम जी देखें अभी पानी इसमें हल्का सा है, थोड़ी थोड़ी कसर है इसमें सब्ज़ी में, देख लें माशाल्लाह रंग कितना अच्छा, कितना खिली खिली हर चीज़ अलग अलग कलर में नज़र आ रही है। चलो ये भी इसको थोड़ी देर पका के फिर इसको दम देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह पक गई है, ये आलू गल गए हैं, बस गाजरें भी गल गई हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि फाइनल। अगर आप बच्चे हैं तो ज़रा बिल्कुल ही चाहते हैं कि आप ये मिक्स हुई हों बिल्कुल ही, तो आप इसको थोड़ा सा और गला लें मतलब, तो और बिल्कुल इसको वो मैश कर लें। लेकिन नहीं, हम लोग इस तरह के ही खाते हैं, जिस तरह चीज़ों को मैं कहती होती हूँ नज़र आनी चाहिए। चलें जी मैं डिश आउट करती हूँ, मैं दिखाती हूँ फिर आपको डिश आउट कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देख लें माशाल्लाह तैयार हो गई है, सारी कलरफुल नज़र आ रही हैं। ठीक है, मनाएं दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाले ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। बनाइए खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।